हेलो गाइस, तो आज हमारे पास है सारे गामा कारवान का ये सेट। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाइट कलर में अवेलेबल है, ग्रे कलर में। इसे हमें मंगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इसका बॉक्स वॉक्स तो शायद मालूम नहीं कहाँ मिलेगा, पर हम आज इसका ही रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं अभी तक नए जैसा ही है। क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ की गई है पूरे में। बटन भी काफ़ी सिल्वरी शाइन में दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फील होते हैं, काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है। यह एक रखने में घर पे भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसका हम आज बताएंगे। ये देख सकते हैं आप इसका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं अपने को, ये पीछे का, यहाँ चार्जिंग और यूएसबी के लिए पोर्ट दिए गए हैं, और ये इस साइड वॉइस के लिए दिया गया है। तो इसका हम एक एक करके बताते हैं आपको इसके बारे में। ये उसका ऊपर का पोर्शन, इसका हम सबसे पहले पीछे का बताते हैं। पीछे हमें गए दिए गए हैं इसमें यूएसबी ए, और एक ही चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये इसको पूरा रीसेट करने के लिए यहाँ एक बटन है। यहाँ यूएसबी है, जिसे पेन ड्राइव और कुछ भी लगाना हो तो हम वो यहाँ से लगा के गाने सुन सकते हैं। बाकी नीचे इसमें कुछ नहीं है। इसमें इस साइड आपको ये वॉइस कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। इसको ऊपर करेंगे तो हमारी आवाज़ बढ़ेगी, नीचे करेंगे तो आवाज़ कम होगी। और इसमें डायरेक्ट हेडफोन जैक दे रखा है, इसमें लगा के गाने जो इसमें चलते हैं वो हम एयरफोन लगा के इसमें से भी सुन सकते हैं, और एफएम के यूज़ में भी आ जाता है ये। उसके बाद इस साइड हम ऊपर चलते हैं, पर ये है बटन इसको चालू बंद करने के लिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये बंद है, ये बटन दबाने के बाद यह चालू हो जाएगा अपना। तो शायद आप अभी तो शायद इसमें बैटरी ख़त्म है, तो कभी मैं चार्ज करके भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा थोड़ा मोटा आपको रिव्यू दे देते हैं। यह सारे गमा यूएसबी को चलाने के लिए यूएसबी का बटन दे रखा है, एफएम चलाने के लिए एफएम का बटन, और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, एफएम चल जाता है, यूएसबी सारे गामा जो इसमें फील्ड सेट हुए हुए गाने आते हैं उसके लिए इसको दबाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से हम आर्टिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस आर्टिस्ट के यहाँ पर डिस्प्ले है, जहाँ ये वाली एक डिस्प्ले है छोटी सी, इसमें सारे डिजिटल है। हम आर्टिस्ट पे दबा के इसमें आर्टिस्ट के नाम से गाने सुन सकते हैं। इसमें मूड बटन दिया हुआ है, मूड पे दबा के जिस टाइप का मूड हो इसमें सब दिखा देते हैं, वो चार्ज करके मैं आपको दिखा दूंगा। और ये गीतमाला है, इसमें एक एक दो दो घंटे का गीतमाला के साथ सॉन्ग है तो वो चला सकते हैं। तो ये गाना आगे पीछे करने के लिए, नेक्स्ट सॉन्ग, ये प्रीवियस सॉन्ग उसके लिए है। ये हम सॉन्ग आर्टिस्ट का नाम कुछ भी चेंज करने में, ये वॉइस के लिए नहीं है, वॉइस कम ज़्यादा करने के लिए। इसका यूज़ कुछ और है, जो कि अभी मैं इसको चार्ज करके आपको दिखा दूँगा क्या है इसका यूज़।